सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मुहूर्त अजूने से भंग गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नाम के राम दामोदर माधवे गुरु शासन दिए फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु धनाश्री राग दे अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पावन पवित्र वाग बख्शिश कीता है कि अज दा दिहाड़ा चौथे गुरु नानक धन गुरु रामदास जी महाराज का आगमन दिहाड़ा है। सिर्फ दो शब्द आप जी के सामने रखा। कुदरत का निजाम, प्रकृति का नियम, परमात्मा का हुक्म, हीरा भावें कितना कीमती है पर मिलता है निकलता है कोलिया की खान च। हैरानगी हो जाती है जिथे इतनी कालक कोले ही कोले हीरे उतों ही मिलते हैं। हीरिया की प्राप्ति उतों ही होती है। संसार विच बेशतर हीरे जिन्होंने जगत नू धार्मिक रोशनी दिती, अध्यात्मक ज्ञान दिता, रब नाल जुड़न दे साधन दिते, मुखलसी दी कालक विच पैदा होए, गरीबी दी दलदल विच पैदा होए, जैसे कमल चिक्कड़ विच पैदा होंदा है, बड़े महान इस तरह के कमल के फुल जिन्होंने अध्यात्मक गुणा नाल माहौल मुअत्तर किया गरीबी की दलदल विच पैदा, मुखलसी की दलदल विच पैदा। जिन्हें भगत बैठे ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर, सिर्फ पीपा जी को छड़ के बाकियों की तो बड़ी मुश्किल नाल उपजीविका ही चल रही सी। किरते सन, मेहनत करते सन, बड़ी मुश्किल नाल रोटी पानी का गुजारा चल रहा। एक गरीबी, दूसरी यतीमी। बचपन दे माँ का साया, पिता का साया जाता, ये दूजी मुफलसी, दूजी गरीबी। धन का सहारा तो नहीं है मुफलसी, पिता का सहारा भी नहीं है, मां की टेक भी कोई नहीं। लेकिन इस मासूम बालक ने
उसकी टेक पकड़ी जिदे आसरे ते सारा ब्रह्मंड खड़ा है। उसका आसरा पकड़िया जिस तो बाद मनुख कदी बेआसरा होंदा ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया का आसरा बन जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज ने ऐसा ही धन गुरु अमरदास जी महाराज की उंगल पकड़ी, उन्होंने कदम बोसी हासिल हुई और आप अपनी अवस्था इंज बयान करते हैं, हम रुलते फिरते को बात ना पूछ। मुफलिस भी सी मैं, यतीम भी सी, ना मां ना पिता। बहुत सोहना बयान कर रहे हैं अपनी असलियत, जो हम रीविद होती मेरे सतगुरा, जो मेरी हालत सी, जो विद होती उमरी मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे, तुहानू पता मैं की सी। फिर दसदे ने मैं की सी, हम रुलते फिरते को बात ना पूछदा, गुर सतगुर संग की रे हम था। कहिंदे ने धन गुरु अमरदास जी महाराज की कृपा बख्शिश दे पात्र बने, इतने पात्र बने, आप दामाद बने, तो इतों की भारतीय परंपरा के मुताबिक, समाजिक परंपरा के मुताबिक गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछ ही लिया तेनों की देई। प्राचीन जमाने ऐसा भी पूछ लेंगे सन, बच्ची बच्चे के आनंद कारज तो बाद करीबन करीबन वक् कर दिता जाता, बच्ची दे माँ बाप बच्चे दे माँ बाप दोवां कोल पुछदे सन, असी अपने कोलों थानू की दईए ताकि अपनी जिंदगी बतीत कर सको। इसे ही परंपरा के मुताबिक धन गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछ ले, दस बेटे तेनू की दे रहे की चाहिए, तो गुरु रामदास जी महाराज की मंग, हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवो दाम मैं दाव, हर कपड़ देव हर शोभा देव जित सबरे मेरा घर। मैनू दाज दे कुछ देना है, मेरी उपजीविका मेरी जिंदगी चलाने वास्ते, तो मेरी चौली दे प्रभु का नाम ही पा। इस तो पता चल रहा है ये बालक बुढ़ा पैदा होया सी, जैसे मैं कल अर्ज की थी, कुछ तो बच्चों की तरह पैदा आते ने, बच्चों की तरह ही मर जाते, कुछ बजुर्गों की तरह जीवते ने, संसार बजुर्ग ही बनते हैं, तो समों ब्रह्मंड के बजुर्ग परिपूर्ण परमात्मा च लीन होते, कुछ बच्चों की तरह ही जमते ने, बच्चों की तरह ही मर जाते। की होया, 80-90 साल की उम्र है, अकल कख भी नहीं, अजे भी ताश पिया खेल रहा है, तो जे पुछिए की कर रहे हैं, कहिंदा समा पास पै कर रहे हैं। हुण इस कोल पुछो, समा है भी सही कह रहा, समा पास करते ने बच्चे खेड के, समय नू सफल करते ने महापुरश प्रभु का नाम जप के जपा। बच्चे की पहचान समा पास करना है, महापुरश की पहचान समय नू सफल करना है, समय की सही वरतों कर लेनी, समय नू सफल कर लेना है। ऐसी एक महान सफल आत्मा का अज के दिन आगमन होया,
धन गुरु रामदास जी महाराज की देन, सब तो वड्डा संसार का ये तीरथ रूहे जमीन दे, ऐसा नहीं है, ये धन गुरु रामदास जी महाराज की देन, उन्हां दी बख्शिश। अज दे दिन जो मुखवाक आया, ये पहले पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज। कौम दी इक बदकिस्मती जरूर है कि ननकाणा साहब जिथे साढ़े कोल चला गया, गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म स्थान, उत्थे गुरु रामदास जी महाराज का जन्म स्थान भी चला गया, चूना मंडी लाहौर। ये पंजाब गुरुआं दी धरती सी, पंजाब दी वंड, इत्थे गुरुआं दी धरती दी वंड हो। 60% पंजाब चला गया, सिर्फ 40% इधर रहे। बड़े बड़े कीमती स्थान भावें अज सानू 50-55 साल हो गए ने अरदास करदे आ, हे दाता जेड़े जेड़े गुरुधाम गुरु तीर्थ पंथ तो विछोड़े गए ने, उन्हां दी सेवा संभाल ते खुले दर्शन दीदार सुभाव प्राप्त कराओ बख्शिश। मैं सच समझदा कि अरदासा व्यर्थ ते नहीं जाणगियां, किसे दिन सार्थक होण, ते बीज किसे दिन वृक्ष बने। ये जो रूहे जमीन ते सारी दुनिया के गुरुद्वारों ये बीज जो अरदास दे रूप में बोया जा रहा है, निष्फल नहीं जाएगा, ऐसी मेरी आत्मा कहती है। पहले पातशाह जी ने आज जो एक मुखवाद बख्शिश किया, इस दे विच जो धन दे प्रभाव हेठ जींदा है, धर्म नू कुछ समझदा नहीं, धर्म तो प्रभावित नहीं है। दो नुक्ते दास दे सुन लेना ते मैं माफ़ी भी मंग लेना। जो सिर्फ धर्म धन तो प्रभावित है, धर्म का उस उसके कोई असर नहीं, चाहे वह पढ़ा लिखा है, चाहे वह अनपढ़ है, चाहे उच्ची कुल दे चाहे चाहे छोटी कुल दे चाहे, चोर जरूर होगा, चोर जरूर। धन का प्रभाव इसनों बेईमान जरूर बना दे, धन का प्रभाव इसनों चोर जरूर बना दे, धन का प्रभाव इसनों ठग जरूर बना दे। धन का ही प्रभाव धर्म का नहीं है, इनू डकैत जरूर बना। मैनू कहण देना संसार ते चोरां नाल भर गया, डकैतां नाल भर गया, बेईमानां नाल भर गया, भर गया। केवल धन का प्रभाव, अगर धर्म का प्रभाव है तो ये धर्म मनुख नूं संत बना देगा, राजयोगी बना देगा। धर्म उसके जीवन का आधार होगा, धन उसके चरणों की सेवक दासी होगी, ये माया धन उसके वर्तन वलेवे लई होगा। पर धन तो ही प्रभावित है, धर्म की कोई गल नहीं कि चोर हो जाए, ये गल वखरी है। हुण इन्हां चोरां नूं कोई शरीफ आखे, कारोबारी आखे, राजनैतिक आखे, कुछ भी आखे, एक वड्डा मुल्क छोटे मुल्क नूं लुट रहे। अगर देखोगे सिर्फ इतना है, कोई एक मनुख नूं लुट रहा है, कोई एक परिवार नूं लुट रहा है, कोई एक कौम नूं लुट रहा है,
कोई एक देश नो लुट रहा है और रूह है जमीन पे ऐसे भी देश ने जो सारे ही देशों नो लुट रहे ताकत ज्यादा शक्ति ज्यादा लुटन दे ढंग ने वो जड़े ढंग ने किधरे राजनीति कहलांदे ने किधरे कारोबार कहलांदे ने बिजनेस कहलांदे ने किधरे कुछ ते किधरे कुछ। अगर बिजनेस दे बेईमानी है तो उन्हें बिजनेस कहने की की लोड़ है कारोबार कहने की की लोड़ है चोरी तो जे राजनीति दे छीना जपती है तो इन नीति कहने की की लोड़ है चोरी। धन का ही प्रभाव है धर्म की कोई गल नहीं फिर सुन लेना ये मनुख चोर हो गए। एक वड्डा मुल्क छोटे मुल्क नू लुट रहे अगर देखोगे सिर्फ इतना है कोई एक मनुख नू लुट रहे है कोई एक परिवार नू लुट रहे है कोई एक कौम नू लुट रहे है कोई एक देश नू लुट रहे है और रूहे जमीन पे ऐसे भी देश ने जो सारे ही देशों नू लुट रहे ताकत ज्यादा शक्ति ज्यादा लुटन दे ढंग ने वो जड़े ढंग ने किधरे राजनीति कहलांदे ने किधरे कारोबार कहलांदे ने बिजनेस कहलांदे ने किधरे कुछ ते किधरे कुछ। अगर बिजनेस दे बेईमानी है तो उन्हें बिजनेस कहने की की लोड़ है कारोबार कहने की की लोड़ है चोरी तो जे राजनीति दे छीना जपती है तो इन नीति कहने की की लोड़ है चोरी। धन का ही प्रभाव है धर्म की कोई गल नहीं फिर सुन लेना ये मनुख चोर हो गए। क्योंकि सारा संसार चोरां का संसार हो गया तो धन नूं ते छुपा के रखना पैंदा है भावें धन गुरु की गोलक हो जाए ताला ते लाना दुकान नूं ताला लाओ मकान नूं ताला लाओ अटैची नूं ताला लाओ सूटकेस नूं ताला लाओ बड़े बड़े लॉकर बैंकां दे चारों पासे ताले ही ताले तो मैनू कहण देना जिन्ने ताले ने मेरे ख्याल इन्ने दुनिया के चोर होणगे लाजमी जिन्ने मकान एक एक मकान च भी ताले सारे कमरियां नू ताले सारे सूटकेसां नू ताले सारी लॉकरां नू बंद करके रखे धन नू छुपाना है तालियां दी लोड़ है क्यों छुपाना है चोर ने। चोर भी अपना धन चोरां तो छुपांदे ने दूजा चोर ना हुण मैं अर्ज करा करीबन करीबन चोर बराबर ही आउंदे ने चोरी छोटी वड्डी हो सकती मैं अक्सर अर्ज करदा हूं इस वास्ते पंजाबी मुहावरा है कख दी चोरी लख दी चोरी इको इको ऐसा क्यों कह दिता एक ने तो सिर्फ कख चुराया और एक ने लख चुराया कि दोवें बराबर किवें हो कख दी चोरी लख दी चोरी चोरी छोटी वड्डी आउंदी है चोर छोटा वड्डा नहीं जिन्हों छोटा मौका मिले है उन्हें कख चुराया जिन्हों वड्डा मौका मिले है उन्हें लख चुराया जिन्हों छोटा मौका मिले है उन्हें एक मनुख नू लुटिया है जिन्हों वड्डा मौका मिले है उन्हें पूरे परिवार नू लुटिया
जिन्हों छोटा मौका मिले है उन्हें सिर्फ कौम नो लुटे है, जिन्हों वड्डा मौका मिले उन्हें सारे देश नो लुटे, खूब लुटे, रज के लुटे। कि जिहड़ा इस तो भी ज्यादा संपन्न ते समर्थ है उन्हें सारी दुनिया नो लुटे। कहण देना, मैं बार बार माफी मांग लवा क्योंकि शब्द ना आता तो मैं नहीं कह सकता। समाज इस वक्त चोरां दा हो गया, समुचे संसार विच चोरी है। तुसी एक देश का भी नाम नहीं लै सकते जिथे चोरी ना हो, चोरी ना। मैनू गल भुलदी नहीं, चेते आ गई है, शायद मैं आपको सरवण कराई है। सन 81 की गल है, दास न्यू यॉर्क सिंह सभा दे कथा कर रहा सी। ये अस्थान उदो नवा नवा बनिया, दास नू बुलाया वे 15-20 दिन कथा करो, 10-20 करने आले दुआले ते भी नहीं आउंदे, गुरुद्वारे का कुछ पता चले कि गुरुद्वारा बने। खैर, 3 दिन कथा करदे आ, मैनूं होए कि 4th दिन रात नूं जद मैं रात नूं जांदे ने उत्थे दीवान, सवेरे ते कोई मत्था टेकण भी नहीं कह रहे ने, भजदे ने कम कर, तो लाइट चली गई। कोल बैठे सन मेरे सरदार कीरत सिंह स्टेज पे, कि मैं कि इत्थे भी लाइट चली जाती है। मैनू कहन लगे, जांदी ते नहीं, असी पहली दफा ही देखा, पहली दफा देख, लाइट नहीं जांदी इत्थे। हुण पिछे थोड़े दिन होए ने, उदों भी हादसा हो, उदों ते सारे अमेरिका दी चली गई। मैं सन 81 की गल करना, सारे न्यूयॉर्क की लाइट चली, बिजली फेर रात दा, जो लिफ्टां दे सन वो लिफ्ट दे च फसे रह गए, जो इलैक्ट्रिक ट्रेनां दे च बैठे सन वो ट्रेनां च फसे रह गए। बैंक की सिक्योरिटी, सारे बैंकां की सिक्योरिटी इलैक्ट्रिक सिस्टम नाल है, सिक्योरिटी सिस्टम भी फेल हो। मैनू कीरत सिंह जी ने कहा, इत्थे इस तरह नहीं आता, पता नहीं क्यों। और गजब की गल, सारी रात लाइट नहीं आई, नहीं आई, सवेरे चालू हुई। उहदे नाल टीवी हर मनुख ने खोलिया, भाई देखिए कारण की है। पता चलिया आसमानी बिजली न्यूयॉर्क के सब तो वड्डे ट्रांसफार्मर पर गिर गई, उन्हें सारा सिस्टम तोड़ के रखा, ट्रांसफार्मर जला के रखा, सिस्टम सारा भंग हो गया। उस रात को, एक रात को 4400 चोर पकड़े गए, बैंक लुट गए, दुकाना लुट गए, घर लुट गए, अंधेरा से उन्होंने पता चल गया सिक्योरिटी सिस्टम तो फेल, बैंक लुटे गए, स्टोर लुटे गए, दुकाना लुटिया गई। 4400 चोर एक रात दे पकड़े गए, क्योंकि सारी पुलिस हरकत दे आ गई, अंधेरा तो गड़बड़ ना हो। मैं ये देख के दिन नूं अखबारां च पढ़ के ते टीवी ते खबर देख के सुन के दंग रहे। फिर मैं सरदार कीरत सिंह नूं कहा, मैं गल, एक रात लाइट गई है न्यूयॉर्क, 4400 चोर पकड़े गए ने, जिहड़े नहीं पकड़े गए वो अलग, क्योंकि पुलिस कह रही सी जिहड़े पकड़े गए ने ते कुछ भी नहीं, इस तो 7-8 गुणा होर ने जो बैंकों के बैंक स्टोर के स्टोर लुट के लए, नहीं पकड़े, ए पकड़े।
क्योंकि जितने चोर सन इतनी पुलिस नहीं सी। जिन्हों दाव लगे सब चुराण लगता। मैं फीलर सिंह नूं कहा, मैं कहा अमेरिका नालों फिर भारत चंगा। कई प्रांतों च रात नूं रोज़ लाइट जाती है, एक भी चोर नहीं पकड़िया जाता, कोई चोरी इतनी होंदी नहीं। मैं कहा मैं तो समझदा सी हिंदुस्तान नालों अमेरिका बहुत अगे है। मैंने तो इंज लगता है चोरों का ही देश है। अब हो गए इन्ने चोर एक रात दे। दरअसल अगर कोई शरीफ है तो इस वास्ते है, अजे चोरी करन दा मौका नहीं बने। छोटा मौका मिले है, वो गुरुद्वारे किसी दिया चप्पल ही चुरा के लै गया। वड्डा मौका मिले है, सारी गोलक हड़प कर गए। मौके की गल, छोटा मौका मिले है, एक बंदे नूं लुटिया। वड्डा मौका मिले है, सारे परिवार नूं लुटिया। और वड्डा मौका मिले है, सारी कौम नूं लुटिया। और वड्डा मौका मिले है, सारे देश नूं लुटिया। ते इस तों ज़्यादा समर्थ है, सारी दुनिया नूं लुटिया। इस दुनिया दे लुटेरे, देश दे लुटेरे, परिवार दे लुटेरे, कौम दे लुटेरे, व्यक्ति व्यक्ति दे लुटेरे मौजूद। समाज चोरां इन्ने ताले, साइकिल नूं ताला लाओ, कार नूं ताला लाओ, स्कूटर नूं ताला लाओ, दुकान नूं ताला लाओ, मकान नूं ताला, हर पासे ही ताले ही ताले। ते ताले संतां तो डरदे नहीं लाए जाते, चोरां तो डरदे। इहदा मतलब चोरी ते चोर हर जगह मौजूद। गालबन 8-9 साल पुरानी गल है। इतिहासक मंदिर है बनारस दे शिव जी का, मुकुट चोरी हो गया। तो मुकुट दे उत्ते नीलम पन्ने जड़त सन करोड़ां दा मुकुट चोरी हो गया। सारे देश दे हलचल यूपी दे ते हलचल होने सी। सारे यूपी दे बहुत वड्डे पद्धर ते हलचल है। इतिहासक वो कीमती मुकुट चोरी हो गया। 3 महीनों बाद वो मुकुट फिर पुजारी को मिले। 3 महीने अखबारों की खबर, टीवी की खबर। इसका मतलब जो पूजा कर रहा सी वह भी चोर से। बाद पता चलिया मुखिए भी नाल सन, तो मंदिर के जोड़े मुंतजम सन वह भी चोर सन। हद हो गए, समाज चोरां। जिन्हों मौका नहीं मिलिया बस शरीफ है। जब मैनू कोई कहिंदा है, दो लफ्ज़ मैं कह दें भी फलाना तो बड़ा त्यागी है, मैं कहिंदा उन्हें हाथ मारन का नहीं मौका मिलिया, आप ही त्यागी। फलाना तो बड़ा सदाचारी है, दुराचारी होने का मौका नहीं मिले, आप ही सदाचारी। खेल सारी मौके, मौका छोटा मिले है, छोटा चोर है। मौका वड्डा मिले है, तो वड्डी चोरी हो गई। इस वास्ते कहने चोर सारे इको जिहा होंदे ने, चोरी छोटी होंदी है, चोरी वड्डी। इस पावन पवित्र वाग दे गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, चोर की हामा परे ना कोय। ये पहले पातशाह जी का वाक है। अज जो हुक्मनामा आया ना, दत में इतनी गल नहीं करनी सी। गुरु नानक दे शब्द नूं टेक बना के इतनी गल आखी। चारों पासे व्यापार के नाते भी चोरी, राजनीति के नाते भी चोरी, धर्म के नाते भी चोरी, चोरी 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 चोरी।
ठीक है, पुलिस है, हथकड़ियां ने, जेलां ने, पर कानून बनाने वाले जे चोर होवन ते कौम कानून दी हिफाजत करने वाले चोर होवन। शेख सादी साहब का एक बोल चेते आ रहा, दुस दे मुहाफिस बदबही खा शैतान नाजम में सवर। दुस्द कहंदे ने चोर, शेख सादी साहब कहंदे ने मैं ते देख के दंग होया, चोर ही रखवाले बने ने, चोर ही पहरेदार बने। दुस दे मुहाफिज, मुहाफिज कहंदे रखवाले पहरेदार, दुस्द कहंदे ने चोर। दुस दे मुहाफिज बदबही खा शैतान नाजम में शवद। शहर का जिसने इंतजाम करना हो ना, रक्षा जिले विच अमन अमान कायम रहे। शेख सादी साहब कहने जिहड़ा नाजम है उते शैतान, जिहड़ा पहरेदार है उते चोर है, देश का रखवाला खुदा ही हो। दुस दे मुहाफिज, भावें ईरानी सूफी सन ते उस समय अपने ईरान की गल करदा, दुस दे मुहाफिज बदबही खा शैतान नाजम में शरण। जिसने इंतजाम करना है सारे शहर का, सारे जिला, उते शैतान। भोला समाज से ऐसा नहीं सी, व्यापक पद्धर से चोरी क्यों हो गई है? एक ही प्रभाव है मनुख दे मन ते धन दा, ते जे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी आउंदा है ते हे गुरु तू कारोबार सदा ठीक चलाई, धन आंदा रहे भावे तू मिलदा भावे ना मिल, तेरी कोई लोड़ नहीं, साडा कम धंधा चलता। बंबे विच एक करोड़पति सज्जन ने लंगर पानी छकन तो बाद क्या गैनी जी अरदास करो, हम धन तो रोज़ का उदे को इतना आंदा है, मेरे ख्याल गिणन वास्ते अठ दस बंदे बैठते हो जो रोज़ दी आमदन। मैं कह गुरमुखो की अरदास करनी है, कहने के धंधा चलता रहे तो होर वादा हो गुरु वादा हो। मैं अजे भी रजे आ कोई नहीं, आपकी गैथली अर्ज करा केवल धन का प्रभाव, ऐसे मनुख दा पाठ पूजा दान पुन सेवा सिमरन कथा कीर्तन केवल धन लई है, धर्म लई नहीं, परमात्मा लई नहीं, गुरु लई नहीं। चूंकि समाज चोरां दा है ते धन नूं छुपा के रखना पैंदा, कबीर कहिंदे ने हीरे ते गली गली पैने, हर पासे पैने, कोई लुटदा ही नहीं, कोई चुरांदा ही नहीं। ऐ वाक भी सुन, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम दा नाम वडमुला हीरा, दुनिया की सारी दौलत निछावर की जा सकती उस हीरे। कबीर कहने जितना लुटना है लुटना है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे। लुटिया नहीं, चुराया नहीं, बाज पश्चाताप होवेगा, संसार विच कीती हुई धन दी चोरी बेईमानी ठगी अंतिम समय सिवाय पश्चाताप तो होर कुछ नहीं होंदा। अंतिम समय मनुख रोंदा है ते पिटदा है ते सारे दुखां दे भोग भोगने पैंदे ने, ऐसे ही शब्द च आ जाएगा। लेकिन राम नाम लुटिया नहीं, चुराया नहीं, अंतिम समय बस यही पछतावा होवेगा, मैं नहीं लुटिया, काश लुट लिया, काश लुट लें। धन दे लुटन वाले नूं लुटेरा कहिंदे ने,
नाम दे लुटन वाले नू संत कहिंदे ने, गुरमुख कहिंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी कहिंदे, भगत कहिंदे। धन दे लुटन लुटेरे अगर ग्रिफ दे च आ जाण, पकड़ दे च आ जाण, अपमानित होंदे ने, नाम दा लुटेरा उहदा ते सन्मान परमात्मा आप करदा है, सारा संसार करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र वाक दे जो कह रहे ना, आखिरी अर्थ में आरंभ करा, लेट तुहानू ना करा, लेकिन एक नुकता भावपूर्वक होर तुहाडे सामने रखते हैं। चोर दे अंदर चोरी हर वक्त चलती, घर दे च बैठा है, बाजार दे च बैठा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च बैठा है, किधरे भी बैठा है, हर वक्त चलती। और चोर चोरी करन दे च उदों सफल हो जाता है जिथे उसनों मौका मिलता है, क्योंकि मौका हर वक्त नहीं है, हर जगह नहीं है। संत दे अंदर दया भाव हर वक्त चलता है, संत दे अंदर दानी बिरती हर वक्त चलती है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे लोड़ है, जिथे लोग मेरे ख्याल गल पकड़ दी चाहिए। मैं एक दफा फिर दोहराऊं, चोर हर वक्त चोर है क्योंकि चोरी उसके अंदर हर वक्त चल रही है, कृत दे च उदों प्रगट होंदी है कदों जिथे मौका मिलता है, मौका मिलता। संत दे अंदर दया ते दान बिरती हर वक्त चल रही, हर वक्त चलती, कृत दे च उदों प्रगट होंदी है जिथे लोड़ पै, जिथे उसनों लोड़ महसूस होंदी है भी हाँ इत्थे मेरी दया कृत रूप विच प्रगट हो रही। धन दे लुटन वाले नू लुटेरा कहिंदे ने, नाम दे लुटन वाले नू संत कहिंदे ने, गुरमुख कहिंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी कहिंदे, भगत कहिंदे। धन दे लुटन लुटेरे अगर ग्रिफ दे च आ जाण, पकड़ दे च आ जाण, अपमानित होंदे ने, नाम दा लुटेरा उहदा ते सन्मान परमात्मा आप करदा है, सारा संसार करदा है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र वाक दे जो कह रहे ना, आखिरी अर्थ में आरंभ करा, लेट तुहानू ना करा, लेकिन एक नुकता भावपूर्वक होर तुहाडे सामने रखते हैं। चोर दे अंदर चोरी हर वक्त चलती, घर दे च बैठा है, बाजार दे च बैठा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च बैठा है, किधरे भी बैठा है, हर वक्त चलती। चोर दे अंदर चोरी हर वक्त चलती, और चोर चोरी करन दे च उदों सफल हो जाता है जिथे उसनों मौका मिलता है, क्योंकि मौका हर वक्त नहीं है, हर जगह नहीं है। संत दे अंदर दया भाव हर वक्त चलता है, संत दे अंदर दानी बिरती हर वक्त चलती है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे लोड़ है, जिथे लोड़। मेरे ख्याल गल पकड़ दी चाहिए। मैं एक दफा फिर दोहराऊं, चोर हर वक्त चोर है क्योंकि चोरी उसके अंदर हर वक्त चल रही है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है कदों जिथे मौका मिलता है, मौका। संत दे अंदर दया ते दान बिरती हर वक्त चलती, हर वक्त चलती, कृत दे च उदों प्रगट होंदी है जिथे लोड़ पै, जिथे उसनों लोड़ महसूस होंदी है भी हाँ इत्थे मेरी दया कृत रूप विच प्रगट हो रही। एक खो के खुश होंदा, एक दे के खुश होंदा। जो खो के खुश है
संसारी है, लुटेरा है, जो देखे प्रसन्न हो रहा है, संत है, गुरुमुख है, भगत है। अक्सर मनुख खो के ही खुश होता है। चोर फिर मिठाइयां बनते हैं जब चोरी दे सफल हो जाते हैं। डकैत सारी रात नचते ने ते गीत गाते ने जब डाका डालने दे सफल हो जाते हैं। पर उपकार का किधरे मौका मिल गया, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमा उदों दे अंदर उत्साह उमंग ते खेड़ा पैदा हो जाता है जब किधरे उसको पर उपकार करने का मौका मिल जाए। खैर धन गुरु नानक देव जी महाराज जो चोर की मनोबिरति ते किरिया इस पावन पवित्र वाक दे बयान कर रहे हैं। अखरी अर्थां दे रूप सरवण करो धनासी राग का पहले पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज का ये महान वाक। जे किधरे चोर पकड़ा जाए अखरी अर्थ पक्ष हो जाए कि जे हुक्मरान की सिफतों सलाह कर लग पाए आकम ओदी महिमा गायन कर लग पाए कि छोड़ दे मैनू इहदी खुशामद कर। चोर सलाहे चीत ना भीजे, इहदे नाल उस हुक्मरान का जिहड़ा चित है पतीजदा है। ठीक है चोर है बोले, चोर तो गिड़गड़ाते ने बोलते जब पकड़े जा, कोई सुनते थोड़ी ने हाथ मना। महाराज कहने चोर उसकी सिफ तो सलाह करे खुशामद करे, हाकम का चित नहीं पकी गया वो नहीं मनता। हाँ जे किधरे चोर क्रोध में आके हुक्मरान नूं गालां कढ़न लग पए पकड़िया जो गया, मंदा बोल बोलन लग पए तसु छी रंचक मात्र भी हुक्मरान छिजदा नहीं भाव घबरांदा है। ठीक है जकड़े होया पकड़े होया गालां कढ़दा पे बोलदा पे बोले, उदे माड़े बोलां दा हुक्मरान ते कोई असर नहीं, वो नहीं घबराता, वो नहीं डरता भी ये गालां कढ़न लग पए कौड़ा बोलन लग पए। माड़ा बोल अक्सर पकड़े जिहड़े जांदे ने माड़ा ते बोलदे, ते जे किधरे खुशामद करे हुक्मां करे ते हुक्मरान सुनदा ही नहीं, पता चोर पकड़िया गया जगड़िया गया। हाँ जी क्योंकि पता चल जाए स्पष्ट हो जाए चोरी की है तो ओदी हामा भरन नू ओदी हां दे च हां मिलान नू कोई राजी नहीं कोई तैयार नहीं। हाँ जी चोर किया चंगा क्यों होए, हामा क्यों नहीं भरदे, क्योंकि जो चोर करता है उसने जो चोरी की है हुण उहनू कौन आखे जी चंगा कीता है इसने चंगा कीता है। इस वास्ते उसकी हामा कोई नहीं मरदा, उसका पक्ष कोई नहीं लैंदा। हाँ जी हुण जिहड़े चोरी करन तैयार हो जाते हैं उन्हां दी मनोदशा पर सतगुरु देव जी महाराज के कहण का ढंग वो फिर मन नूं लैंदे ने अपनी गल अगे करदे ने। ए अंधे मन हे झूठे मन हे कुत्ते मन तू सुन सुन, ये तीन गालां मन नूं कढ़ियां। कारण जो कुछ होंदा जो कुछ किया सो मन किया करदा ते मन। सऊदी अरब दे चोर दे हथ कढ दिते जांदे ने ते हथ ते जड़ है। देखो अंदरों मन आ गया ना करे वे चुक ले कि हाथ नहीं चुक सकता। अखा ने पराया धन देखे मन नो खबर की थी, मन ने हथा नो हुक्म किया चुक ले
चुकले सजा दिती जाती है हथां नूं। सऊदी अरब के चोर के हथ कट देंगे। 5 साल तालिबाना की हकूमत रही है अफगानिस्तान दे। मेरे पढ़न दे आया 5 साल उन्होंने 1700 बंदियां दे हथ कटे, क्योंकि चोर की इस्लामी शरह के मुताबिक बां कटदे। लीबिया के टूनिस दे मराकश दे और सऊदी अरब चोर नूं जिहड़ी सजा दित्ती जांदी है उहदे हथ कट। हुण जो कुछ किया सो मन किया, करदा ते मन, फैसला ते मन ने दित्ता सी वे चुक लिया ते विचारे हथ ने चुक लिया। सारी जिंदगी किसे नूं मुताज कर देना, कुंडा कर देना, अपाहज कर देना, ये कोई सही फैसला नहीं। सही फैसला, सही इंतजाम तो यह है कि मन बदलने का कोशिश करना, अगले का मन बदलना। कोई ऐसा माहौल बनाया जाए, धर्म तो प्रभावित हो जाए, दूजे का धन खोना तो एक पास, दूजे के धन का मुहाफिज बन जाए, रखवाला बन जाए, अगले का मन बदलना चाहिए। पर उस तरह का उपराला है नहीं। इस वास्ते साहब कहते हैं, हे अंधे मन, तैनू असलियत दिखाई नहीं देती, हे झूठे मन, हे कुत्ते मन, तू सुन मेरी सिख्या सुन। बनया फिरदा है, मैं सचियार हाँ, मैं सही हाँ, लेकिन असलियत तो समझी नहीं, हकीकत नूं तो जानिया ही नहीं। कारण यह है, बुरा करके बुराई कोई कबूल नहीं करता। कारण बुरा होना किसे नूं पसंद नहीं, कोई नहीं चाहता। हर मनुख वड्डपना चाहता, महानता चाहता, लेकिन गजब की गल है, गलत करके महानता चाहता, गलत करके वड्याई चाहता है, अनर्थ करके वड्याई जो है चाहता है, बिना बुझिया ये सब कुछ चाहता है। इस वास्ते साहब कहते हैं, हे अंधे मन, हे कूड़े मन, हे कुत्ते मन, तो सुन। इस तरीके नाल खेड नहीं बनेगी। हाँ जी, उंज जिहड़ा चोर है बड़ियां दलीलां पेश करदा है, बड़ा सियाणा, बड़ा चातर, अपने आप नूं बड़े सोहणे रूप विच पेश करदा है, मैं तो कुछ नहीं कीता, बड़ा भोलापन जाहिर करदा है। साहिब कहिंदे ने इह वी इक चोर दा गुण है जो इस तरह करदा है। पर जिहड़ा खोटा है, अंदरों खोटा है, उहदा आखिर की मुल है? दो गंढे पाओ, दो कौड़ियां, कुछ भी, कुछ भी। भावें उपरों कितना खरा बने, भावें उपरों कितना सोहना बने, भावें कितनी मासूमियत दिखावे, मैं बेकसूर हाँ, मैं बेकसूर हाँ, इहदे उत्ते कितनियां दलीलां दे दे, पर खोटा है अंदरों, ये कौड़ी मुलदा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी, ऐसे खोटे सिक्के जे खरे सिक्कियां विच रख दिता जाए, रला दिता जाए, मिला दिता जाए। हाँ जी, पर जैसे परख दे सामने आंदा ते खोटे नूं इक पासे कर दिता जाए, नहीं ये खोटा नहीं चले, नहीं चले। संसार दे च खोटे सिक्के नहीं चलते, निरंकार की दुनिया खोटे मनुख परवान नहीं नहीं। किधरे चलाकी नाल, फरेब नाल खोटे सिक्के कोई चला भी लवे, नकली नोट चला लेंगे, चला लें, सफल हो जाते। पर परमात्मा की दुनिया खोटा सिक्का, परमात्मा नूं बुलाया नहीं जा सकता,
वरगलाया नहीं जा सकता, वो खोटे एक पासे कर दिया। जैसे परख ते आंदा खोटे एक पासे कर दिता जाता है, जिस खोटे नो खरिया नाल रख भी दिता जाए तां भी जब परख आउंदी है एक पासे कर दिता जाता है, कसौटी ते पूरा नहीं करता। हाँ जी, रब्बी नियम, जैसा कोई कर्म करता है वैसे ही उसको जो है फल प्राप्त होता है। किसी का धन खो रहा है इसका अपना धन भी चला जाएगा। गलत धन जिसके घर में आ गया है, शरीर गलत हो जाएगा, मन गलत हो जाएगा, परिवार गलत हो जाएगा, औलाद गलत हो जाएगी और एक दिन धन भी चला जाएगा। गलत धन में बरकत नहीं आएगी। गलत धन औलाद में गलत कर देगा। जिन्हों के घर में इस तरह की गलत धन संपदा आती है उन्होंने बच्चे मैं देखे ने बहुत गलत हो गए। और गहराई नाल मैं जब जात मारी है, पैसा गलत आया, धन गलत आया, बच्चे गलत हो गए, औलाद गलत हो गई, मन गलत हो गया, तन रोगी हो गया, परिवार बच्चे गलत हो गए ने, सब कुछ जो है गलत हो जाता है। गलत धन विच बरकत नहीं है, गलत धन विच आनंद नहीं है। इत ईश्वर ने नियम बनाया, जो आप बीजदा तो आप ही खाँदा, इतने अपना बीजिया आप खाना पैदा, जमीन देते दरख्त लाया है, शायद कोई फल होर खावे, पर जीवन के जो कर्मा का बीज बोया जाता है फल आप ही खाना। इस तरह की जिहड़ी वडियाई महिमा है परिपूर्ण परमात्मा के नाम की, वो बीज के आप ही प्राप्त की जा सकी दी है, आप ही हासिल की जा सकती। हाँ जी, पर मनुख का ध्यान जैसी समझ जैसी सुरत आती है वैसे ही मनुख चल पैंदा, उसे पासे उसका जीवन धारा चल पैंदी है जैसी उसकी समझ आती है। हाँ जी, ऐसा मनुख जे परिपूर्ण परमात्मा की उपमा भी करे वो कूड़ी झूठी, अंदर ते चोरी चलती, अंदर ते गलत भावना, नीयत ते अंदर गलत है, पाठ करी जा रहा है, पूजा करी जा रहा है, बड़ी उपमा करी जा रहा है, बड़ी महिमा गायन करी जा रहा है, इस तरह दियाँ करोड़ों तरह दियाँ सिफतां सलाह करे, ये कूड़ है, कबाड़ है, कुछ भी नहीं है। भावें सारा संसार उसनू महान आखे, भाई उपमा करता है, पाठ करता है, दान करता है, पुन करता है, पर नीयत खोटी है। भावें जगत कहता है प्रभु की दरगाह विच कूड़ा है, झूठा है, मलेच है, प्रवान नहीं है। हाँ जी, इतने अद्धी तो मुराद लेंदे ने सीधा साधा मनुख, बहुत ही समझ नहीं है, कोई दार्शनिक नहीं, कोई फिलोसफर नहीं, पर शरीफ है, कोई अजीम चिंतक नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, सीधा पौला है, अंदरों बाहरों एक है। वो जे परिपूर्ण परमात्मा की सिफ तो सलाह कर रहे हैं, भावें अनपढ़ भावें चिंतक नहीं, बहुत स्याणा नहीं, भावें दार्शनिक नहीं, भावें फिलोसफर नहीं, वो तेनों इस तरह का हीण मनुख, अकल तो हीणा मनुख, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं, दार्शनिक फिलोसफर नहीं, तेनू प्रवान हो जाता है कि कोई सीधा है, भोला है, वो दे अंदर चोरी नहीं चलती। हाँ जी, महाराज कहते ने यह एक महान ज्ञान की गल, तू जान ले, समझ ले, परमात्मा नू सीधे लोग प्रवान, सादे लोग प्रवान, जिन्हों की नीयत ठीक है। जैसे बाबा फरीद कहते ने पाड़ पटोला भज करी कंबलड़ी पेरे हो, जे ही वेसी सौ मिले, से ही वेस करे हो,
धन गुरु अमरदास जी महाराज का थले वाक है, फरीदा काहे पटोला पाड़ती कंबलड़ी पैरे हो, नानक घर ही बैठे हैं सौ मिले जे नियत रास करो। सतगुरु रहमत करन धन गुरु रामदास जी महाराज का आगमन पुरब मनाते हुए सारिया के अंदर चानना ते प्रकाश करे ताकि सारे परिपूर्ण परमात्मा कबूल हो जाए, परवान हो जाए। कितनी सेवा है सुख परवान करनी, दासा ने हुण हाजरी गोविंदवाल साहब भरनी है, उत्थे जो है प्रोग्राम रखा गया 11 बजे का, तो दास ने उत्थे जो है पहुँचना है। कितनी सेवा इस वक्त जो है प्रवान करनी। कल फिर जिमें धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करेंगे हुक्मनामा, कुछ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने विचार रखांगे। धन गुरु रामदास जी महाराज का आगमन पुरब मनाते हुए उन्होंने गुण, उन्होंने शक्ति, उन्होंने महानता का प्रकाश सारिया के अंतस्करण होवे ताकि सारिया का गुरपुरब मनाया होया सफल होवे। भुल चुक दी क्षमा, वाहेगुरु जी का वाहेगुरु।